आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्रीगणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्माननीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहां शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया, यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो
ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए, इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी, इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रही है। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो, आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम, और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है, एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे, हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है।
और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है, ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले तीन में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप थ्री में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल यूपीआई डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में भी देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा, टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं, ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है। और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर है जो शायद पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था, उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है, वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए
एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है, हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य माँ भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल क्या अब देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो
हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। हमारे डिजाइनर, हमारे यहां निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो इतनी बात नहीं चलेगी, मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, ये भाव हो सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्वस्वीकृत बनी है, उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है। और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहां, और जब मैं दुनिया को लेकर कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। Tier 2, Tier 3 सिटी से, गांव गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा दल, पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं, हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है, और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है। और उस केमिक स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ बल दे रहे हैं, और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है,
जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण, देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भागित भाग के अंदर अपने आप को बंधित नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरनमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। उस दिशा में हम आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चे बच्चों को, बच्चे भी बच्चे, उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत का हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक ज्ञान यह हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व, हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बनकर रह गई, हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना,
वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है, हमारे देश के उस पूर्वी भाव को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमें देनी है। असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो लेकिन कोई अंग उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है, मानना पड़ेगा। और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में, सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में, दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना। और उसीलिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है। और आज 100 डिस्ट्रिक्ट देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे उसको बोझ मान लिया गया था, आज स्थिति यह बनी है कि 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं। और इस सफलता को देख करके, सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके अब जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं, वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं। और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है। और इसलिए उस समय गुटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी, आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं। जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है, ये शायद विश्व में एक भारत ने। और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। और आज विश्व की ये जरूरत है। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी, ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं।
और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्त के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, यहां पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।